हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। तो आज हम अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और ये मेंटरशिप मैंने जो स्टार्ट करी है ये अप्रैल 2, 3 और 4 को आपको टारगेट्स हैं जो कि कंप्लीट करने हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि मैं आपको कुछ टिप्स देता रहूं, ऑडियो टिप्स देता रहूं, जिससे कि आप उसे फॉलो करके जो भी आपको पढ़ने में तकलीफें आ रही हैं उस पर फोकस कर पाएँ और उसको उससे बाहर आ पाएँ। तो पहली चीज़ में, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये आपके प्लान्स हैं, जो भी मैं आपको प्लान बताऊंगा, आपको डे के स्टार्टिंग में मुझे बताना है कि मैंने ये प्लान स्टार्ट कर दिया, और डे के एंडिंग में ज़रूर बताना है आज मैंने कितना कंप्लीट किया, क्योंकि जब हम बताते हैं तभी हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि आज मेरे को पूरे दिन में पढ़ना भी है। क्योंकि ये एक 1-to-1 प्लान तो है नहीं कि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको चैनल पर ही मुझे इसी वीडियो में 3 दिन तक बताना पड़ेगा। दूसरा मैं जो बताऊंगा आपको, देखो ग्रुप 1 वाले बच्चे और ग्रुप 2 वाले बच्चे मैंने कल बहुत ज़्यादा अपने वीडियो में देखे, जो जिनका कमेंट आया था कि वो लोग पढ़ रहे हैं, हमारी टीम ने उन बच्चों के नाम भी नोट कर लिए थे। और कुछ बच्चे हैं जो सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स के बच्चे हैं। तो मैं बात करता हूँ FR की। तो सबसे पहले जो ग्रुप वन वाले बच्चे हैं वो देख लें, वो FR में इंडेस 102, 101, 116 और 16 पूरा करेंगे, और इसी के साथ CSR चैप्टर को भी पढ़ लेंगे। इससे आपके बहुत मेजरली अच्छे चैप्टर, मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें, मतलब छोटे छोटे इंडेस हैं जिसमें अच्छे मार्क्स का कवरेज होता है। इसी के साथ SFM की थ्योरी आपको पढ़नी है, चैप्टर 1, 2, 3, 6 और 14 जो आपके स्टडी मटेरियल में मार्क्ड है, आप अपने ट्यूशन टीचर के नोट्स या फिर आप इसके लिए अजय अग्रवाल के भी नोट्स रेफर कर सकते हैं, उनके भी जो थ्योरी नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप चैप्टर 1, 2, 3, 6 और 14 कवर कीजिए, क्योंकि पेपर में 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी फिक्स आती है। तो ये था ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए। ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए मैं बताऊंगा DT में PGBP, TDS एंड TCS, चैरिटेबल ट्रस्ट और टैक्स रेट्स पूरा कर लें। टैक्स रेट्स वही जैसे 115 BAC है, और जो कंपनीज़ की स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जिसमें 15% टैक्स भरना पड़ता है, और BAB एंड BAA, तो वो अच्छे से कर लें। इसके अलावा कॉस्ट में चैप्टर 3 जो कि लीन कॉस्टिंग है, और चैप्टर 1 जो बेसिक जिसमें पॉटर 5 फोर्स मॉडल है, और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि चैप्टर 3 में तो केस स्टडी के भी आने के चांसेस होते हैं चैप्टर 2, 3 और 4 में से, तो आप 3 अच्छे से कवर कर लें। 3 दिन का यही टारगेट है, आगे हम बाद की वीडियोस में जाएंगे। तो 3 दिन के टारगेट आपको मुझे डेली बताना है कि आपका कितना कवर हुआ है। और इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और साथ में मैं ये बताता हूँ कि देखिए, आपको कम से कम ना मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ के दिखाना है, और ये मेरे को रात को बताना है कि हाँ सर मैंने इतना पढ़ लिया। मैं यही कहूँगा आप सुबह 4-5 बजे उठ जाएं, नहीं उठ सकते तो 6 बजे तक बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते तो सर आप जितना 7-8-9 बजे बैठते हैं आप तब बैठिए, तब या फिर आप नाइट स्टडी करते हैं आप नाइट स्टडी कीजिए, बट कम से कम ना 10-12 घंटे निकाल लीजिए। ब्रेक्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना, अपने कंप्लीशन पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल मैंने PGPP भी उठाया हुआ है, मैं PGPP भी करूँगा, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा फिर उठूँगा, ये ईगो में बिठा लो और पूरा करके ही उठो, क्योंकि हमें CA फाइनल क्रैक करना है इस बार, हमें अब लंबा नहीं खींचना। इसके बाद मैं कुछ बातें बता दूं, ये आपके लिए वीडियो क्लोज़ हो चुकी है यहाँ पर ही। कुछ वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें, ठीक है, एक टीचर है तो उन्होंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी थी, उन्होंने ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे सर हैं, आप फाउंडेशन को पढ़ाते हैं आई गेस, और सर हम भी आप ही के स्टूडेंट हैं, आप ऐसा मत समझिए कि हम कोई और हैं, हमने आपका आइडिया चुरा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मेंटरशिप दे रहे हैं, हम भी मेंटरशिप दे रहे हैं, हम CA फाइनल को पढ़ा रहे हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हमारा कोई मोटो नहीं है कल को क्लासेस खोलने का, हम लोग कोई वैसे नहीं है जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, हम कोई बच्चों की बस हेल्प कर रहे हैं। आपके यहाँ पर मेंटरशिप में जो दूसरे तीसरे दिन लोग जुड़े थे, मैंने देखा था CA फाइनल के बहुत थे, तो मैंने कहा क्यों ना CA फाइनल को भी मैं दे दूँ मेंटरशिप। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया। आपका 40 डेज का चैलेंज था, मेरा 30 डेज का चैलेंज था, तो आपका जो फर्स्ट डे का चैलेंज था वो सेम टू सेम मैंने ले लिया। बस इसलिए लिया था क्योंकि देखो ये नहीं था, वो कुछ और था, बस इसलिए लिया था क्योंकि वो 3 दिन का मुझे अच्छा लगा था। बाद में ऑब्वियसली मैं रिवाइज करता क्योंकि उनके डेज और मेरे डेज में डिफरेंस है। और सर अगर आपको इतना बुरा लग गया, सॉरी टू से, बट देखिए आपके पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप फाउंडेशन के टीचर हैं, हम तो टीचर भी नहीं है सर, हम तो स्टूडेंट्स, खुद एक स्टूडेंट्स हैं सर। और हम जो स्टूडेंट्स हैं ना, देखिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली है ना बच्चों को बस
पढ़ाते हैं, मतलब बस बेसिकली उनके डाउट सॉल्व करते हैं। हम कोई ऐसे क्लासेस नहीं खोल के बैठे, हम लोग बस नॉर्मल वो लेते हैं। तो सर हमारे बस 20-30 बच्चे थे जिनके कल कमेंट आए थे कि सर हमें मेंटरशिप लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेना, क्योंकि मैं कोई चार्जेस नहीं रखता। और आज बस मैंने बच्चों की हेल्प करी। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं, जैसे ये बीवी सर के नोट्स हैं, ये देखिए ऊपर ही रखे हैं, इनको बैठ के अगर बच्चों को पढ़ाने लग जाता हूँ और बीवी सर मुझे बोलने आएंगे कि अरे अरे तुम मेरे नोट्स से क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं, क्योंकि मैंने ये धंधा, मतलब एक तरीके से दुकान नहीं खोली इसकी, मैंने कोई क्लासेस नहीं दी। दुकान उसे बोलते हैं हम किसी और का मटेरियल ला के चुरा के करने लग जाते हैं, दैट इज़ दुकान। सर मैं यहाँ पर लोगों की बस हेल्प कर रहा हूँ, स्टडी को बस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास है। सर मैं, मेरा यहाँ पर है ना कोई भी ऐसा मोटो नहीं है कि मैं बच्चों को लूटने आया हूँ, पैसा कमाना है मुझे, नहीं सर। मैं कहाँ से, सर मैं अपना स्टॉक मार्केट और सर अपना क्या नाम है अपना उसमें खुश हूँ सर, क्रिप्टो में खुश हूँ सर, आई एम अर्निंग वेल देयर सर, मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है सर, डोंट वरी। मेंटरशिप, बच्चों को कुछ शेयर करना, मेरे ही भाई बहन हैं ये सारे और मुझे अच्छा लगता है अपनी नॉलेज शेयर करना। तो सर आप अदरवाइज मत लो। कल 20-30 बच्चे आए थे मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हमारे व्यूज़ थे आज। पता नहीं आपको ऐसे क्या मिर्ची लगी कि आपने अपने चैनल पे डाल दिया, और फिर जब हमने डिलीट कर दिया जस्ट टू रिस्पेक्ट यू, बिकॉज हम आपको जानते हैं, इवन हमने कल आपको कॉल भी किया था। बट कोई बात नहीं सर, इट्स टोटली ओके, इट्स योर। फिर आपने एक वो होता है ना मार्केट स्ट्रैटेजी चली और आपने बच्चों को बताया देखो देखो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। सर वो बच्चों का सपोर्ट क्या, वो हमारी है ना, बच्चों का सपोर्ट प्लस हमारी रिस्पेक्ट है सर। सर आप छोटी छोटी बातों पे ऐसे ले जा रहे हैं, सीरियसली वी आर नॉट, हम लोग धंधा नहीं खोल रखा है यहाँ पर सर, बस नॉर्मल, बस शेयरिंग, जस्ट शेयरिंग। सर देखो ना हमारे पास, हम खुद ये क्या है, अब इस पे अगर मान लो कल को कोई ABC एनालिसिस पे मेरे को बोल दे कि अरे ये चैप्टर तुमने जो लिखे हैं, कल को अतुल अग्रवाल आ जाए बोलेगा ये चैप्टर्स तो भैया मैं लिखता हूँ अपने ABC एनालिसिस में, तो नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ, शेयर ही तो कर रहा हूँ। उस ABC एनालिसिस को तोड़ मरोड़ के मैंने बच्चों को मेंटरशिप दे दी, बस। अब कल को ऐसे ही मेरे पे क्लेम कर देगा अरे अरे ये चैप्टर तो मेरे इंडेक्स में आपने कैसे लिख लिया है, सर कैसी बातें कर रहे हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। 4 तारीख को वीडियो आ जाएगी और वीडियो में फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इस मेंटरशिप को। अप्रैल तक हमने पूरा का पूरा सक्सेसफुल बनाना है, पूरा का पूरा कवर करना है। और सर अगर आपको सच में बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सॉरी। तो मैं और आपको क्या कह सकता हूँ, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। चलो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।